अब आएगी। जोहार दोस्तों, इट्स मी गणेश जी। नो इंग्लिश, नो हिंदी, ओनली मराठी। नमस्कार मंडळींनो, मित्रांनो, सावित्री कुमारी ऑफिशियल मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। मुझे भी थोड़ा भी मराठी में बोलने सिखाइए ना, मैं भी बोलूंगी जोहार दोस्तों। जोहार की जगह आपको नमस्कार। नहीं, जोहार ही बोलूंगी। अच्छा, जोहार। जोहार दोस्तों, मित्रांनो, मित्रांनो, आपले आपले सावित्री कुमारी ऑफिशियल मध्ये, सावित्री कुमारी ऑफिशियल माने मध्ये 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 स्वागत है। स्वागत है दोस्तों। कल रात में हमारी इधर इतनी बारिश हुई कि रात में तो अब जा नहीं सकते, पूरा बिजली कड़क रही थी, रात में सोए हुए हैं और बस उसी चीज का चिंता कि हमारा सामान का क्या हुआ। तो अभी फिलहाल हम लोग वही जाएंगे, उससे पहले दही वाला आ गया आपको बुला रहे हैं। और दोस्तों सुबह सुबह हमारी गणेश जी के हाथों में है दही, माखन चोर के हाथों में माखन। और आपका स्वागत आज दही से है, पूरे YouTube फैमिली का। आइए आज शाम को कुछ स्पेशल बनाएंगे। हाँ, और दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी टेंशन ये हमेशा ऐसे हंसाते रहते, क्या बोलते कि टेंशन कभी नहीं लेना। तो अभी फिलहाल हम लोग सुबह सुबह सिर्फ चाय पी के निकल रहे हैं प्लॉट की और देखते हैं सामान सब कैसा है। क्या है भैया, अभी आने वाले हैं, बोले कि अभी मैं भी आ रहा हूँ, हो सके काम चालू कर दूंगा क्योंकि बारिश की टाइम आ गई। और बारिश अभी शायद हमको लग रहा है एक वीक चलेगी ना, क्या पता नहीं अभी कब तक आएगी। लोग बोल रहे 17 तारीख तक है, कुछ 18 तारीख तक बोल रहे। चलिए, अच्छा दोस्तों कंटिन्यू। बहुत धुंधे मिले, बारिश बहुत था और अभी चालू ही है थोड़ा थोड़ा। दोस्तों लोबर भैया लोग आए हैं तो उनके लिए चाय भी लेंगे। कितना ले रहे गणेश जी? 6 तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पानी जमा हो गया है, देखो पानी जमा हो गया है, यहाँ पे भी पानी जमा है, देखो। और दोस्तों इधर से एक दो बूंद बारिश हो रही है और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और गणेश जी अपने बाइक धो रहे हैं। इधर मत, इधर पानी आ जाएगी। और क्या बोलूं, दिखाती हूँ आपको, ऊपर से बारिश आ रही है, गाड़ी धोने की जरूरत नहीं है, समझे। और दोस्तों चारों तरफ घूमे, चेक किए तो देखिए थोड़ा थोड़ी भीगा है। अब मेरा माथा घूमने लगा, मैं बैठ गई और मेरे पतिदेव बोले कि चलो मैं कॉमेडी करता हूँ। क्या कॉमेडी कही ना। तो दोस्तों ये देखिए, नीम पत्ता के साथ साथ उसका डाली को भी चबा के खा रहा है। और खाना है, जाइए पेड़ के ऊपर चढ़ जाइए। हम तो खाते रहते हैं। दिखाइए पूरा खा के खत्म कीजिए, डाली वाली सब कुछ। ये देखिए हमारे घर में बकरा आ गया है। पूरा खा, डाली भी खाइए। और दोस्तों आते आते चाय ले लिए थे भैया लोगों के लिए, तो वही गणेश जी बोले कि चाय पिला लेते हो और जाते हैं, नहीं तो हम लोग भूल ही जाते हैं कि हम लोग चाय लाए हैं। तो वही चाय दे रहे हैं गणेश जी। तो गणेश जी ने तो मुझे खूब हंसाया, लेकिन अब मुझे मैं कुछ बोलूंगी कि आप लग रहा है कि मेरा सर चक्कर दे रहा है, क्योंकि सीमेंट वगैरह देखिए ना, तब तो धीरे धीरे लग रहा है कि। तो यहाँ मैं ऊपर से आवाज़ डाल रही हूँ क्योंकि मेरा सर ऐसा लग रहा है चक्कर दे रहा है, तब तुरंत मेरा फ़ोन पकड़ा हुआ है, वीडियो ही ले रही हूँ, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ कि गणेश जी समझ गए और बोले चलो तुमको डॉक्टर कर लेते। और दोस्तों हमारी कैमरा में कहाँ पर कैमरा का है जी, कैमरा में पानी ना लग जाए, इसलिए गणेश जी बोले कि पोलोथीन से उसको ढक देते हैं। फिर 2-3 को पोलोथीन लेके आए हम लोग। और बारिश क्या बोले, थमने का नाम ही नहीं ले रही, थोड़ी थोड़ी बारिश हो ही रही है। और यहाँ पर दीदी पूछ रही कि क्या हुआ है, मैं क्या जो बोलूँ कि मेरा बीपी लो हो गई है ना, क्या हो गई, सिर्फ सर चक। तो मुझे देख के गणेश जी का भी तबीयत खराब हो गया, वो भी अपना चेक करवा रहा है कि मेरा भी कहीं, मतलब वो भी बोल रहे कि मुझे भी अजीब फील हो रही है कि आपको देखिए ना इस हालत में तुरंत आपका तबीयत खराब हो गया, तो मेरा भी अब। दोस्तों जैसे ही मैंने पूछा कि क्या हुआ, इनको तो नर्स भी हंसने लगी, जो दीदी बैठी हुई है नर्स वो भी हंसने लगे, बोले कि आप दोनों का कनेक्शन तो अजीब है, आपका तबीयत खराब हो रहा है तो आपको देख के गणेश जी का भी तबीयत खराब हो जा रहा है। वहाँ पर वो नर्स क्या, मतलब वो दीदी कैसा हंसने लगे।
तो दोस्तों सुबह सुबह हम लोग गए उधर, और आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ, तो रात में जो बारिश हुई ना वो देख के मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि अब क्या होगा क्या होगा, कहीं हमारा सामान बर्बाद ना हो जाए। तो थोड़ा थोड़ी पानी लगा, ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं लगा, पानी लगा, लेकिन अभी कैसे लगा आपको, तब तो नहीं नहा? नहीं अभी ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो थोड़ा थोड़ी पानी लगा सीमेंट में, लेकिन क्या कर सकते अब हम तो नहीं है काम करने वाले की, हमें आता भी नहीं है। तो अभी हम लोग तो लोग लगाए, वो गड्ढा दो तीन बाकी है, वो आज हो जाएगी और कल। अब तो ठेकेदार भैया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब लाते हैं, क्योंकि हमारा सीमेंट पानी हो जाएगा। जैसे ही मैं गई ना, तो रात में मेरा पैर हाथ में, मेरा दिल बहुत नाजुक है यार, कैसे जो मतलब अपने दिल को हार्ड करूँ। तो रात में मैं पूरा पैर हाथ ही मेरा थोड़ा थोड़ा कांपने लगा था, बीपी मेरा, सच बताऊं तो जैसे ही मैं थोड़ी भी टेंशन लेती हूँ ना दोस्तों, तो मेरा बीपी लो हो जाती है। अब क्या हुआ, इनको तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, अगर बोलूंगी तो फिर बोलेंगे कि फिर बार बार ये मतलब मेरे टेंशन में ये बीमार पड़ जाते हैं। बात ये है कि मुझे देख के ये इनका दिमाग काम नहीं कर पाता। तो फिर मैं तो चुपचाप थी, सुबह उठी, देखा अपने ब्लॉग में, देख गई, देखिए सीमेंट वीमेंट जब देख रहा था तब मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था। थोड़ा थोड़ी पानी लगा ना, वो मेरा दिमाग में बैठ गया, अचानक मेरा सर चकराने लगा, मैं वहीं पर मतलब गिरी नहीं लेकिन गिरने के टाइप हो गई। तो फिर फटाक से गणेश जी मुझे डॉक्टर घर लेके गए, वहाँ सबसे पहले तो मेरी बीपी चेक किया गया, जो कि मेरा है लो बीपी, बिल्कुल लो बीपी है। अभी वो डॉक्टर इन्हें डांटने लगे कि नहीं कुछ खाना वाना अच्छा से देते है कि नहीं, लेकिन ये मेरे बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन क्या करूं, मैं ज़्यादा टेंशन आ जाती है ना घर का, सबसे बड़े घर बन जाए ना, मैं मतलब क्या बोलूँ, गंगा नहा लूँ मैं। हाँ, तो वो घर का टेंशन। अब ये क्या हुआ, मुझे तो देख लिया कि मेरा बीपी लो हो गया, अब मतलब मेरा थोड़ा पैर हाथ कांप रहा था, ठीक है, जैसे कांपते हुए देखे गणेश जी, इनका बीपी हाई हो गया, अब इसका भी धक धक चालू हो गया। फिर इनको भी, इनका भी चेक किया गया, फिर चेक किया डॉक्टर ने, उसके बाद इनको भी दवा दी है, मुझे भी दवा दी, और फाइनली हम लोग घर आए। तो दोस्तों अभी मैं ठीक हूँ, मतलब होते ना बारिश, इधर बारिश का मौसम अभी भी पूरा काला बादल छाया हुआ है, तो बस भगवान से कि मेरा भाई घर बन जाए। अब बारिश तो सबकी ज़रूरत होती है ना, हमें हो सके हमें बारिश की ज़रूरत नहीं है, किसी को पानी की ज़रूरत है, कोई अगर घर बनाए तो पानी होने चाहिए। तो वही आपके भाई का भी फोन आया था, वो भी बोल रहे थे कैसे तबीयत वगैरह, बोल दिए ना मैं ठीक। हाँ ठीक है, बोल दिया भाई कैसा है, वो भी ठीक है, ठीक है। भाई को बोलना कि मेरे बारे में ज़्यादा सोचे ना, मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों मैं ठीक हूँ, और दोस्तों एक बात बता दूँ, आप लोग बोल रहे हो सावित्री दीदी कहीं कुछ गुड न्यूज़ वगैरह है ना क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर कुछ भी होगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली तो आप लोग हो, ये जितने बड़े यूट्यूब फैमिली है, सबसे पहले अच्छा हो खराब हो आप तक वो पहुंच जाएगी। और हाँ, मैं थोड़ा ज़्यादा सोचती हूँ, बस आपका प्यार चाहिए मुझे, और कमेंट में बस इतना भर भर के बता दीजिए कि आप ज़्यादा सोचिए मत, और अपने आप लोग अपनी जीजाजी को समझा दीजिए कि देखिए मेरी बीपी लो तो अपना लो ना करें, क्योंकि मुझे संभालने वाले यही हो, सुख हो दुख हो जो हो यही हो। दोस्तों वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, आई होप आपका ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। तो बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी देर वो इंजेक्शन लगेगा।